ऑलराइट गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या कि जो हमारा फॉर्म है उसको फंक्शनल बनाएंगे, यानी कि हम लोग अपने फॉर्म के सबमिट होने के बाद जो यहाँ पर हमने फॉर्म बनाया था अपने आई डिस्कस फोरम में, अगर आप लोगों को याद हो, कोई भी इंसान अगर डिस्कशन करना चाहता है तो यहाँ पर टाइटल और कंसर्न लिखेगा तो उसका एक थ्रेड बन जाएगा। बस इतना अगर आप लोग कर पाए तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा इस फोरम के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको एक्सेस कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने शुरू से आखिर तक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रखा है। अभी तक मैंने यहाँ पर 55 वीडियोस ऐड कर दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है अभी फोरम वाला, और भी नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा इसमें। ऑलरेडी मैंने कई चीज़ें आप लोगों को बेसिक से स्टार्ट करते हुए प्रोजेक्ट एक बनवा दिया है टू डूज़ का। तो चलो यहाँ पर हम लोग करते क्या है जल्दी से कि अपने इस ब्लॉग में आ जाते हैं, फोरम में आ जाते हैं, और इसका जो कोड है वो यहाँ पर रहा। तो ये जो थ्रेड लिस्ट डॉट पी एच पी थी वो थ्रेड को लिस्ट करती थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बस यहाँ पर एक नया पी एच पी ब्लॉक ऐड करूँगा और मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, कैसा है, ऐसा है कि अगर किसी ने जो सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड है, तो अगर आप लोग इंटरनेट पर लिखते हो डिटेक्टिंग रिक्वेस्ट टाइप इन पी एच पी की गेट है या पोस्ट है, अगर वो डिटेक्ट करना है तो देखो यहीं के यहीं मुझे मिल गया, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। मुझे याद आ गया, मुझे याद तो था ही कि रिक्वेस्ट मेथड करके कुछ है, लेकिन हर लैंग्वेज का हर सिंटैक्स रटने की ना आपको ज़रूरत है और ना मुझे रटा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मैं कोई हार्ड डिस्क नहीं हूँ, दिमाग को दिमाग की तरह इस्तेमाल करना है, हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, जो पी एच पी ब्लॉक ब्लॉक हम अपना लिखेंगे ब्लॉक, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डॉलर मेथड इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये, अब मैं यहाँ पर एको करा दूंगा डॉलर मेथड को, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एको करा देता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ थ्रेड लिस्ट को रिलोड करके। तो यहाँ पर देखो ये मेथड इसका गेट था, लेकिन अगर ये गेट ना हो के पोस्ट हो तो मैं क्या चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा कि ये फॉर्म मेरा सेव हो जाए, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, जो इसका रिक्वेस्ट मेथड है वो स्लैश कहा गया मेरा फॉर्म, यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट कर लो HTML को ताकि चीज़ें अच्छी दिखें, और मेरा जो फॉर्म था मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ यहाँ से, पुटिंग दिस जस्ट टू चेक HTML अलाइनमेंट फॉर नाउ। तो मैंने लिखा है फॉर नाउ, इसको मैं रख रहा हूँ लेकिन बाद में हटा दूँगा, और वो बाद अब आ चुका है, मैंने उसको हटा दिया क्योंकि वो यूज़लेस था। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा वो फॉर्म कहाँ पर है, ये रहा मेरा वो फॉर्म। तो मैं यहाँ पर एक्शन इज इक्वल टू लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा एक्शन इज इक्वल टू स्लैश फोरम स्लैश threadlist.php और method is equal to क्या, method is equal to post। तो ये अपने आप पे ही एक post request मारेगा। तो जब भी आप इसको क्या करोगे, submit करोगे इस form को, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, reload किया मैंने, submit किया form को, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गई है, क्या गड़बड़ आई है, 24 ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई है कि जो क्वेश्चन मार्क कैट आई डी इज इक्वल टू था वो गायब हो गया है, तो मुझे वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी मैं कैसे दूंगा, वो मैं यहाँ पर सिंपली ऐसे दे दूंगा, देखो मेरा जो कैटेगरी आईडी है वो कहाँ पर है, मेरी कैटेगरी आईडी मेरे इस वेरिएबल में, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मेरी कैटेगरी आईडी मुझे चाहिए, कैट नेम ये है, कैट DES ये है, और डॉलर आईडी में मेरी कैटेगरी आईडी है, तो मैं डॉलर आईडी वेरिएबल को यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डॉलर आईडी है मेरा वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, तो मैं यहाँ पर कहूँगा क्वेश्चन मार्क, मेरा क्या था URL, मेरा URL यहाँ पर था क्या, मैं होम पे जाके ज़रा वापस आता हूँ इस पेज पर, मेरा था कैट आईडी इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैट आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, लिख दूंगा डॉलर आईडी, ठीक है। तो इसको डबल कोट लगा के यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूज़ करूँगा, और यहाँ से डबल कोट हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पर PHP भी बना देता हूँ। तो एक्शन इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पर ये जो URL है वो लिखना पड़ेगा पूरा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, PHP में ना अपना इसको PHP बना लेता हूँ, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आप लोगों को एक और एक अच्छी टेक्निक बताता हूँ। आप लोग क्या करो, यहाँ पर जो इसका एक्शन है उसको आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो, आईडी वाईडी छोड़ दो सब, अगर आप सेम पेज पे पोस्ट रिक्वेस्ट मानना चाहते हो तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हो, एक्शन इज इक्वल टू, और यहाँ पर PHP का ब्लॉक चालू करना है आप लोगों को, और यहाँ पर लिख देना है $_server, और उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, लिख देना है PHP सेल्फ, तो यहाँ पर लिख देना है आपको PHP_self, ठीक है। एंड बाय नो मीन्स आप लोगों को ये रटना है, बाय नो मीन्स ये रटना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर सेम पेज पे आप लोगों को सबमिट करने के लिए PHP_self को यूज़ करना है। तो अगर इसका आपको यूजेज देखना है इंटरनेट पर,
एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं इंटरनेट पे डाल के, क्योंकि इस चीज़ को हम रटने वाले नहीं है, ठीक है। इन PHP यहाँ पर देखो, PHP का मैं मैनुअल खोलना प्रेफर करता हूँ, तो यहाँ पर देखो PHP सेल्फ जो है मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, कंट्रोल एफ सेल्फ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो ये देखो ये बता रहा है कि भाई ये जो PHP अंडरस्कोर सेल्फ है ये इन अ स्क्रिप्ट एट एड्रेस ये वुड बी ये, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये, मुझे वो पाथ दे रहा है जो कि मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा एको, क्योंकि मुझे ये चाहिए यहाँ पर। तो मैं ये जैसे ही लिखूंगा सेव करूंगा इसको, और उसी के साथ साथ इसको मैं जैसे रिलोड करूंगा और इसको सबमिट करूंगा, तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है। और ये एरर क्यों मिल रहा है मुझे, ज़रा मैं इसको रिलोड करके देखता हूँ, सॉरी व्यू पेज सोर्स करके देखता हूँ। मैं कंट्रोल एफ करूँगा फॉर्म, और एक यहाँ पर जो मुझे गड़बड़ दिख रही है वही दिख रही है कि इसने क्वेश्चन मार्क के बाद वाला मेरा जो URI है वो नहीं लिया है। तो सर्वर URI करके कुछ होता है, उससे आ जाता है वो। तो मैं अगर URI यहाँ पर सर्च करूँ, URI, हाँ रिक्वेस्ट URI होता है वो। अब डिफरेंस क्या है देखो, यू रिक्वेस्ट URI में क्या होता है कि आपके क्वेश्चन मार्क के बाद वाला भी आता है। मुझे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद भी चाहिए यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन मार्क कैट आई डी इज इक्वल टू वन ये भी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट URI करूँगा इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट अंडरस्कोर URI कर देता हूँ, और ये करने के बाद जब मैं पाइथन में जाऊँगा और यहाँ पर सबमिट करूँगा, तो ये देखो बिल्कुल सही सही यहाँ पर मेरा काम जो है वो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पोस्ट आ रहा है लिखकर, और मैं अपने पोस्ट पैरामीटर भी अब ले सकता हूँ। यहाँ कैट आईडी वन थी, वन आ गई, अगर टू होती तो यहाँ पर टू आ जाती कैट आईडी। देखो वही पेज पर मैं आ गया हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पर क्या किया। जब मैं यहाँ पर PHP सेल्फ लिख रहा था तब क्या हो रहा था कि मेरा जो ये वाला पार्ट था URL का क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, वो ट्रंकेट कर दे रहा था ऑटोमेटिकली। तो मुझे याद आया अचानक कि ये जो रिक्वेस्ट URI है, अगर आप ये यूज़ करते हो तो क्या होता है, जब रिक्वेस्ट URI यूज़ करते हो तो ये चीज़ भी आ जाती है, तो मुझे ये चीज़ भी चाहिए। तो अभी देखो ये यहाँ पर नहीं है मेरा क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, रिलोड करूँगा तो आ जाएगा, ठीक है। देखो रिलोड करूँगा यहाँ पर तो मेरा ये आ जाएगा। तो मैं इसको ज़रा रिलोड करता हूँ, ये मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, व्यू पेज सोर्स, ठीक है। तो कंट्रोल एफ मैं करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्म आप लोगों को दिखाता हूँ, दिखाता हूँ एक मिनट रुको, आप लोग देखना ये आ जाएगा। देखो कैट आई डी इज इक्वल टू आ गया, तो वो पुरानी वाली रिक्वेस्ट को एक्चुअली फिर से रिलोड कर रहा था, इसलिए इसको मैंने बंद कर दिया। अभी देखो यहाँ पर आ गया कैट आई डी इज इक्वल टू, अगर नहीं दिख रहा आपको तो जूम कर देता हूँ, कैट आई डी इज इक्वल टू यहाँ पर आ चुका है। चलो जी ये काम हमारा हो गया है अभी, ठीक है। तो मैं इसको वापस से रिसेट कर देता हूँ। अब मुझे करना क्या है कि ये चीज़ जैसे ही मुझे मिल जाती है, ये काम तो मैंने कर दिया, मैंने तो अभी सिर्फ एको करा है अपना मेथड। मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ मेथड इज, मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ डॉलर मेथड इक्वल टू क्या, कैपिटल पोस्ट, अगर ये पोस्ट है तो। अगर ये पोस्ट है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंसर्ट करूँगा रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंसर्ट इन टू DB, इंसर्ट इन टू DB, ठीक है। क्या इन टू DB, इंसर्ट थ्रेड इन टू DB। तो ये जो थ्रेड है वो डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या बनेंगे, एक तो टाइटल बनेगा, ठीक है। तो मैं TH टाइटल लिख देता हूँ, TH अंडरस्कोर टाइटल थ्रेड टाइटल, फिर TH अंडरस्कोर DESC लिख देता हूँ, यानी कि थ्रेड डिस्क्रिप्शन। क्या हो जाएगा मेरा थ्रेड टाइटल, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में क्या आ जाएगा, किस नाम से था वो, टाइटल के नाम से था। सिमिलरली ये मेरा DESC के नाम से था, एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेंगे फॉर्म में जाकर। तो ये था मेरा टाइटल के नाम से, नेम देखते हैं, नेम टाइटल और ये DESC, ठीक है, टाइटल और DESC। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इंसर्शन की एक सीक्वल लिखनी है और मेरा काम जो है वो हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा डॉलर सीक्वल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसको ज़रा इस तरह से कॉपी करता हूँ, थोड़ा कॉपी पेस्ट भी चलेगा, और डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू ये लिख दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं सिर्फ इतना ही करूँगा, और ये करके मेरे जो सीक्वल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं इंसर्ट इनटू जो है वो यूज़ करूँगा। तो मैं इंसर्शन की जो सीक्वल है वो कहाँ से लाऊँगा, बिल्कुल सही, PHP माई एडमिन से लाऊँगा, जी हाँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंसर्शन की जो PHP माई एडमिन की स्क्रिप्ट है वो लेकर आऊँगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो मेरी कैट आईडी है, जो मेरी कैटेगरी आईडी है उसको भी चाहिए, वो भी चाहिए मुझे, वो भी तो चाहिए मुझे कैटेगरी आईडी, वो डॉलर आईडी में है मेरी, याद रखना वो मेरी डॉलर आईडी में है, तो डॉलर आईडी भी यूज़ हो जाएगी मेरी। तो जल्दी से इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर, मान लो मैं इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कुछ डालता हूँ, यहाँ पे कुछ डालता हूँ, और यहाँ पर वन डाल देता हूँ, यहाँ पर यूज़र आईडी में जीरो डाल देता हूँ फॉर नाउ, और गो कर देता हूँ। ये इंसर्शन की मुझे मिल गई है मेरी सीक्वल, ठीक है। चलो जी बढ़िया, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं मैं सीक्वल को। अब यहाँ पर क्या क्या चेंज करना है मुझे, यहाँ पर मुझे सिंपली चेंज करना है एक तो
थ्रेड आईडी की जगह मुझे क्या डालना है, थ्रेड आईडी में मैंने नल डाला हुआ है, नल क्यों आ गया थ्रेड आईडी में, ओके तो थ्रेड आईडी में मैं नल डालूंगा, अगर थ्रेड आईडी में कुछ ना डालूं तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, देखो ले लिया ना थ्री इसने, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको हटा दूंगा क्योंकि ये तो ऑटो इंक्रीमेंट पर लगा हुआ है मेरा, ठीक है। थ्रेड टाइटल और थ्रेड डी ई एस सी में यहाँ पर आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा डॉलर टी एच अंडरस्कोर टाइटल और यहाँ पर आ जाएगा डॉलर टी एच अंडरस्कोर डी ई एस सी, ठीक है। और कैटेगरी आईडी में क्या आएगा डॉलर आईडी आ जाएगा, और अभी यूज़र आईडी को ज़ीरो रखते हैं, ज़ीरो रखते हैं मतलब एनोनिमस अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए, बाद में यूज़र बना लेंगे तो फिर उसको भी कर देंगे ठीक, ठीक है। इस सेमी कॉलन हटा देते हैं यहाँ से, और मेरे हिसाब से सब कुछ अभी जो है रेडी है, तो अभी मैं एक्सपेक्ट करूँगा इससे कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर होम पे आता हूँ, होम पे आके पाइथन में जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू टाइटल और न्यू डी ई एस सी और सबमिट करूँगा, तो यहाँ पर देखो न्यू टाइटल और न्यू डी ई एस सी इंसर्ट हो गया डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो न्यू टाइटल भी इंसर्ट हो गया, न्यू डी ई एस सी भी इंसर्ट हो गया है, ठीक है यार, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जब ये हो जाएगा तो मैं डॉलर शो अलर्ट इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा और बाय डिफ़ॉल्ट शो अलर्ट को फॉल्स रखूँगा, ठीक है। ये काम मैंने पहले भी किया है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये शो अलर्ट को बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखूँगा ताकि हर बार कोई यूज़र आए तो अलर्ट ना दिखे उसको। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि नेविगेशन बार के बाद, यानी कि ये जो मेरा नेविगेशन है, जस्ट यहाँ पर मेरा dbconnect.php है, फिर उससे पहले हेडर था, हेडर यहाँ पर था मेरा, उसके बाद मैं यहाँ पर एक लगाने वाला हूँ अलर्ट, जस्ट इसके बाद ये जब PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी मैं यहाँ पर लिखूँगा कि दिखा दो, क्या यहाँ पर दिखा दो हमारा जो ये है एक अलर्ट सक्सेस वाला। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको शो अलर्ट को ट्रू करके मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ शो अलर्ट और यहाँ पर एको करा दूँगा, क्या एको करा दूँगा सिंपली वो जो मेरी HTML है उसकी, मैं लेके आता हूँ ज़रा बूटस्ट्रैप से अलर्ट्स में से कॉपी करता हूँ उसको, डिसमिसेबल ग्रीन अलर्ट को, तो डिसमिसेबल ग्रीन अलर्ट जो है उसको मैं कॉपी करूँगा, इसको ग्रीन अभी करके दिखाऊँगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। पेस्ट कर दिया यहाँ पर मैंने, और थोड़ा सा इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए, बढ़ाने के लिए खूबसूरती को, क्या करूँगा यहाँ पर मैं एक हल्का सा इंडेंट लगा देता हूँ, ठीक है, एक इंडेंट यहाँ लगा देता हूँ और ये होली ग्लू का मोली की जगह लिखता हूँ सक्सेस और योर थ्रेड हैज़ बीन एडेड, ऐसे लिखता हूँ कुछ, मैं लिख रहा हूँ योर थ्रेड हैज़ बीन एडेड, प्लीज़ वेट वाइल समवन रिस्पॉन्ड, प्लीज़ वेट फॉर कम्युनिटी टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, प्लीज़ वेट। तो हमने कह दिया कि भाई आपका जो ये है ये आ चुका है, मैं वार्निंग की जगह सक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बात नोट करने वाली है, सक्सेस से ग्रीन कलर का आएगा ये, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई आपका जो ये है थ्रेड, ये मैंने यहाँ पर आपका सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर ये क्या एरर आया, 52 लाइन पर 52, ओके मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया एको के बाद, तो मैंने यहाँ पर बोला है कि भाई आपका जो ये है वो ऐड हो चुका है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड दिस टाइटल और ऐड दिस डी ई एस सी। मुझे पता है मैंने काफ़ी रायता फैला दिया है यहाँ पर, तो ये रायता आप लोग साफ़ कर लेना, लेकिन मैंने अभी थोड़ा फैला दिया है आपको दिखाने के लिए। तो देखो मैंने सबमिट किया, योर थ्रेड हैज़ बीन एडेड आ गया, एक स्पेस दे देते हैं सक्सेस के बाद, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ ये, तो एक स्पेस दे देते हैं लो, सेव किया। अब कुछ ऐड करूँगा, अगर मैं एक काम करता हूँ कुछ अच्छा सा ऐड करता हूँ, jQuery ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स प्लीज़ गिव मी सम आइडिया ऑफ jQuery, ठीक है सबमिट, तो ये देखो यहाँ पर आ गया jQuery ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स प्लीज़ गिव मी सम आइडिया ऑफ jQuery, खोलोगे इसको तो ये आ गया jQuery ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स प्लीज़ गिव मी सम आइडिया ऑफ jQuery। अब इसको हम बनाएंगे, आगे कोड करेंगे, अभी के लिए हमारा जो ये होम है और इसके अंदर जो हमारे ये हैं थ्रेड्स हैं अलग अलग वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखो किसी और अगर कैटेगरी में डालूंगा, जावास्क्रिप्ट में डालूंगा, मान लो मुझे फैच API नॉट वर्किंग यहाँ पर मैंने लिखा है, आई एम इन टू ट्रबल, माई फैच API इज नॉट वर्किंग इन MS Edge, ठीक है सबमिट किया, तो ये देखो यहाँ पर आ गया फैच API नॉट वर्किंग, और ये फैच API नॉट वर्किंग कहीं और नहीं दिखाएगा, यहाँ नहीं दिखाएगा फैच API नॉट वर्किंग, क्योंकि ये उस थ्रेड का है, ठीक है।
तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। हमने फेचिंग बहुत अच्छे से कर दी, स्टार्टर डिस्कशन हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसको कोलैप्सिबल भी बना सकते हो आप अगर चाहो तो, स्टार्टर डिस्कशन को कोलैप्सिबल भी बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए यार इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। और काफ़ी बढ़िया बन गई यार वेबसाइट, मतलब कमेंट करके बताओ यार कि कैसी है वेबसाइट। मैं चाहता हूँ आप लोग लिखो नीचे कमेंट्स में यार कि अमेजिंग ऑसम कुछ तो बताओ कैसी है वेबसाइट। तो अच्छा फोरम बन गया, लेकिन काम अभी काफ़ी बाकी है। जैसे कि एक बार अगर हम लोग आए यहाँ पर इस पेज पर, कोई एक थ्रेड खोलें, तो एक तो यहाँ पर डिस्कशन अगर नहीं है किसी का आंसर, तो यहाँ पर एक आना चाहिए बॉक्स जो कि हमें बताए कि भाई यहाँ पर जो है अभी किसी ने आंसर नहीं किया है, वेट करो कम्युनिटी के रिस्पॉन्ड करने का, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सब। और आप लोगों को अगर कुछ भी इशू हो रहा है इसमें, तो मैं चाहूँगा कि आप लाइन बाय लाइन कोड मैच करो। मैं एक कोड डाल दूंगा और मैं कुछ थोड़े से टाइम के बाद डालता हूँ कोड, कोड इमीडिएटली मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग टाइप करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ कोड देना, मैं कोड थोड़े से डिले पे डालता हूँ ताकि आप लोग जो है आराम से इस चीज़ को जो है समझ पाएँ, और इस चीज़ को आप लोग बहुत ही आराम से देख देख के कोड करें और अपना बनाएं। और एक बार अपनी अगर आप कोई चीज़ बनाते हो, तो वहाँ से जो आपको कॉन्फिडेंस और लर्निंग्स मिलती हैं, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोड कॉपी करके मिलेंगी। ठीक है, तो विद दैट सेट मैं चाहता हूँ कि ये पीएचपी सीरीज़ आप लोग जो है एक्सेस कर लो, बुकमार्क कर लो ऊपर क्लिक करके। उसी के साथ साथ आप लोग ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है और वीडियो लाइक नहीं करा है, तो यार कर दो वीडियो भी लाइक। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।